बैग पे है ऐसे कुछ पढ़ यूनियन की है, और ये इसके वैक्सीनेशन कार्ड, यूनिफॉर्म, ये इसका नेम है, नेम यूनिफॉर्म। ये इसका पेडिग्री नंबर है, ये तो बर्ड है, कलर ब्रीड सब कुछ है, फीमेल है। चल बस ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप सारे फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज अब अपने एक फ्रेंड की तरफ आया हूँ जिसने ये नया ही अभी बच्चा लिया है, लैब्रा। शौक करें आप, ये देख लें पेटिग्री है, ये 35,000 में लिया इसने, तो ये आप देख लें आपके सामने है। अगर किसी को चाहिए हो इस बच्चे से कॉन्टेक्ट करें हमसे, आपको मिल जाएगा पेटिग्री, नॉन पेटिग्री बच्चे मिल जाएंगे आपको। और जो भी मेरा भाई ये वीडियो देख रहा है, जिसके पास अगर कोई जर्मन शेफर्ड हैं या कोई भी यानी कि डॉग की आल ब्रीड में उसके पास बेबीज़ हैं, तो कांटेक्ट करें, क्योंकि हमारे पास कस्टमर होते हैं, हम आगे सेल करवा देंगे उस भाई के। हमारी तो ये कोशिश होती है कि हम किसी भी तरह किसी के काम आए ना, हम उसमें लेन में हैं ना हम उसमें देन में हैं। तो ये शौक करें अभी उस भाई से पूछेंगे अभी, और अभी इसके पास सिर्फ इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 हफ्ते में होंगे, बाकी वो खुद बताएगा कितना टाइम हुआ इसको, इतना पता कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और देख लें आप माशाल्लाह किस तरह, सिर्फ ये ब्लड लाइन के ऊपर है फ्रेंड्स, कि किस तरह उसकी कमांड मान रहा है, किस तरह चल रहा है, ये देखें आप। अभी ज़रा सा बच्चा प्योर है, हेड वगैरह देखें इसका, ये शो करें आप, अभी वो उसको इशारों पे चल रहा है। अभी वो आप ये देखें कि वो बंदा खुद ट्रेन नहीं है, वो बॉल ऐसी फेंक रहा ना उसे दिखा रहा, लेकिन देख लें चीज़ है ना, ये ब्लड लाइन पे होता है फ्रेंड्स। जितनी अच्छी ब्रीड होगी उतनी जल्दी आपका जानवर ट्रेंड होगा। ये ट्रेनिंग के लिए लेके आए हैं इसको, आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह चल रहा है, किस तरह वो भाई इसको ट्रेंड वगैरह कर रहा है। अभी देख लें उसे सिट करवा रहा है, सिट की कमांड पे है। आज पहली दफ़ा इसे ये यहाँ पे लेके आए हैं पार्क में, चीज़ आपके सामने है, ये देख लें आपके सामने है। अब हमने उसकी ये बेल्ट भी उतार दी है, ये आपके सामने है, ये देख लें पेटिग्री बच्चा है, ये आप चेक करें। तो फ्रेंड शो करें आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ीशान। कौन सी ब्रीड है आपके पास ये बताओ जरा। भाई मेरे पास है ये लैब्रा पेडिग्री, इसकी टोटल एज 2.5 महीने है, ठीक है। ये मेल है फीमेल है? ये भाईजान जी फीमेल है। अच्छा, देखने वाले को क्या कहना चाहोगे यार, यानी कि पेटिग्री बच्चा लेना चाहिए या नॉन पेटिग्री लेना चाहिए? पेटिग्री लेना चाहिए जी, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। पेटिग्री इसलिए लिया क्योंकि आगे इसकी ब्रीड बहुत अच्छी होती है, डिमांड होती है मार्केट में, लेने वाला जब लेता है तो इसके डॉक्यूमेंट्स भी इसके साथ मिलते हैं, कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हैं पेटिग्री के। और दूसरी बात फैमिली डॉग है, अभी 18 दिन हुए मेरे पास और माशाल्लाह ट्रेन होना स्टार्ट हो गया है। ये किस उसके ऊपर ट्रेन हो गया? ये अभी सीट पे होता है कि कोई चीज़ फेंको उसको कैच करके लेके आता है। और अच्छा, इसको दोस्त डाइट में क्या दे रहे हो उसको? इसको मैं डॉग फूड दे रहा हूँ, बॉयल चिकन दे रहा हूँ, राइस दे रहा हूँ। डॉग फूड यानी कि किस तरह देते हो, दिन में एक बार यानी कि बताओ ना अपना। इसको पहले सुबह टाइम इसको डॉग फूड देते हैं, दोपहर में राइस देते हैं बॉयल राइस और चिकन, और शाम को इसको डॉग फूड देते हैं। माशाल्लाह ट्रेन हो रहा है ऐसा ऐसा, ग्रोथ भी बहुत अच्छी कर रहा है ये। दोस्त नाम क्या रखा है इसका? हमने ब्रोनी नाम रखा है, खेलता है, फैमिली डॉग है, नुकसान नहीं पहुंचाता। और कितने का लिया था ये? ये मैंने लिया था 35,000 रुपये का। पेपर वगैरह सब कुछ जी, इसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। और वो एक चिप वगैरह का जी, वो जी चिप जी 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 चिप है इसके अंदर, कोड वगैरह है उसका। माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि लैब ही रखो और पेटिग्री।
और आपको नॉन पेडिग्री मिल रहे थे, वो कितने का मिल रहा था ये भी बताओ। वो तो हमें 20,000 रुपये का भी मिल रहा था, 15,000 का भी मिल रहा था, एक बंदा में 25,000 के दो भी दे रहा था, लेकिन हम चाहते तो दो भी ले लेते मगर। लेकिन पेडिग्री क्यों लिया? क्योंकि क्योंकि काफ़ी सारे बंदों ने यही हमें रिकमेंड किया था कि पेडिग्री बहुत अच्छा डॉग है, फैमिली डॉग है, आगे इसकी ब्रीड में भी नुकसान नहीं होता। और इसके अभी हमने इसको वैसी रेट पे डाला था तो इसका हमें अच्छा रेट भी मिल रहा था, मगर हमने इसको सेल नहीं करना। वैसे कस्टमर भी आ जाते हैं अक्सर घर पे, शौक के लिए लिया जी, शौक के लिए लिया है। कमांडो के लिए भी ट्रेन हो रहा है, जिस तरह कमांडो चलता है। अच्छा दोस्त, इसको दिन में कितने टाइम इसको दे रहे हो खाना? इसको अभी जब तक ये साल का नहीं होता ना, इसको 3 टाइम ही देना है। जैसे ये साल का हो जाएगा फिर इसको हम 2 टाइम कर देंगे। ये जिनसे लिया उनसे उन्होंने बताया आपको इस तरह करना है? जी, ये रिसर्च वगैरह की है फिर ही लिया। अच्छा ये नहीं, उन्होंने भी उठा के डॉग ले लिया है या पहले इसके बारे में कुछ पता किया है कि किस तरह रखा जाना है, क्या खिलाना है? पहले भाईजन हमने तकरीबन 1.5 से 2 महीने हमने पहले इसी चीज़ में ही गुजारे हैं कि किस तरह रखना है, क्या क्या प्रोसीजर है इसके, क्या टेम्परेचर में इसको पानी देना है, किस में नहीं देना, इसको वाशरूम वगैरह का क्या हिसाब है, किस हिसाब से इसे बाहर लेके जाना है। अच्छा दोस्त, ये वॉशरूम वगैरह ट्रेंड है? जी ये फुल ट्रेन है। किस तरह की है ये भी ज़रा बताओ दोस्तों को। यार जितनी इसकी एज है ना, जितनी इसकी एज है उसके, एक अगर ये है 2.5 महीने का तो ये 3.5 घंटे बाद पी करने बाहर जाता है, यूरिन करने बाहर जाता है। माशाल्लाह आप देख रहे हैं फुल एक्टिव है। ब्रोनी, हे ब्रोनी, कम 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 ब्रोनी, कम गो ब्रोनी गो। ये देखे माशाल्लाह फुल ट्रेन हो रहा है। ब्रोनी हे, गिव मी अ बॉल, टेक इट। किस तरह किया था इसको वॉशरूम के लिए? तो यार हमने इसका टाइम देखा कि इसने पहले दिन किस किस हिसाब से यूरिन किया, वॉशरूम वगैरह किया, तो फिर उसी हिसाब से भी हमने रिसर्च वगैरह भी किए। फिर हमें पता लगा कि जितनी इसकी एज है उसका 1 घंटा प्लस और कर दें, उस हिसाब से इसको पी आता है। और हमने देखा तो ये उसी हिसाब से ही जाता है पी वगैरह करना है। जब घर में इसे पी वगैरह करनी होती है तो ये बोलता है ज़ोर ज़ोर से, एक मुख्तलिफ सी आवाज़ निकालता है। अंदर नहीं करता? नहीं, घर पे नहीं करता। अभी दिन कितने हुए आपके पास इसको? इसको 19 दिन हो गए आज। माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है, रिकमेंड तो यही करेंगे कि लैब ही रखें। अच्छा ज़्यादातर यार मैंने जो लोग मार्केट में जाता हूँ तो ज़्यादातर मार्केट वाले यही कहते हैं कि जी सीरीलैग वगैरह दो ये वो। नहीं सीरीलैग इसलिए नहीं देते क्योंकि ये अभी छोटा है ना, तो ये ज़बान थोड़ी टेढ़ी करके अभी खा रहा है। तो हमें किसी ने रिकमेंड किया है कि इसके खाने से इसके अंदर भी जम जाएगा अभी, तो अभी हमें पाउडर मिल्क भी नहीं किसी ने रिकमेंड किया, इसको हम वेट मिल्क ही दे रहे हैं। हम इसको ब्रेड भी डाल के दे देते हैं, कभी रस्क डाल के दे देते हैं मिल्क में। माशाल्लाह फैमिली में रहते हैं ना, जो चीज़ भी दो खा लेता है, नखरे नहीं करता किसी भी चीज़ के साथ। अगर कोई दोस्त कहता है उसको ये चाहिए, ये तो अभी हमने पहला एक्सपीरियंस है, तो कोशिश करेंगे कि इसको इसकी ब्रीड पे लेके आओ। नहीं ये सेल के लिए तो नहीं रखा हुआ, वैसे यार बच्चे हैं घर में छोटे, तो बच्चे भी हैप्पी रहते हैं इसके साथ, बाहर नहीं निकलते। सेल तो नहीं करना, जब इतनी डांट पड़ी थी घर पे, जब डॉग का हमने जिक्र किया था घर पे कि डॉग रखना है, मगर इजाज़त तो बहुत मुश्किल से मिली है। मगर अब ये वापस दे देंगे ना हम, तो घर पे रखना मुश्किल हो जाएगा। आइडिया इसके बाद एक और चीज़ रखने का। फर्स्ट टाइम ही रखा है? जी जी फर्स्ट टाइम ही रखा है। जी लव तो हो गया है जी, माशाल्लाह बहुत हो गया है, मगर यह है रात को अक्सर तंग भी करता है, छोटा है ना अभी तो। रात को तंग यानी कि क्या करता है? बोलता है, जोर जोर से बोलता है, छत पे होता है। अच्छा। अकेला जब हो जाता है बोलता है, तो फिर इसके लिए पेडिस्टल फैन वगैरह हमने अरेंज किया। मैंने ये पूछ रहा था कि वॉशरूम ट्रेन किस तरह किया इसको, क्योंकि अभी आपके पास 19 दिन हुए, 19 दिन में इसको ऐसा क्या ट्रेन किया कि ये घर में नहीं करता? वॉशरूम का हमने ये किया हुआ कि ऐसे केज के अंदर हमने एक साइड पे बिजली वगैरह डाली हुई, रेत वगैरह, तो ये उसमें ही फ्री हो जाता है तो वो फेंक आता है। और दूसरी बार जब हम इसको बाहर लेके जाते हैं तो घर पे हम इसको 1 सेकंड के नहीं रोकते, छत से उतार के सीधा इसको बाहर ले जाते हैं,
ताकि ये घर में नीचे का आदि ना हो जाए। तो इस वजह से भी ना इस पर काफ़ी इफेक्ट हुआ है कि घर में नहीं करना कुछ भी। जब दोपहर में गर्मी होती है तो हम इसको नीचे ला के बांध लेते हैं सहन में अपने, तो जब इसने वॉशरूम वगैरह जाना होता है तो बोल के हमें बता देता है, डिफरेंट सी एक वॉइस करता है। अच्छा दोस्त, फीमेल ही क्यों लिया आपने? लेना तो हमने मेल था, बहुत ढूंढा मगर फीमेल ही नसीब में थी तो फीमेल ही मिली है हमें, ढूंढी भी बहुत थी। और ये कहाँ से लिया? ये भी कहाँ? ये हमने मॉडल टाउन से लिया है, ब्लॉक सी से। तो बहुत मुश्किल से हमने इसके बकाया पैसे कम करवाए थे भाई, पैसे तो कम नहीं कर रहे थे। उन्होंने इसकी 40 की थी, 45 बहुत मुश्किल से इन्होंने की थी, किसी का रेफरेंस लगा था तो इन्होंने 45 डिमांड की थी। और दूसरी बात ये है कि चिकन पे इसको लगाया हुआ है ताकि ये अपनी ग्रोथ वगैरह अच्छी रखे, और हड्डियों वगैरह का इस्तेमाल नहीं करवाना। किसी ने हमें कहा था कि इसके वो कीड़े वगैरह पैदा हो जाएंगे इसके पेट में, बीमार हो जाएगी। अब हमें किसी ने रिकमेंड किया कि ये 3 महीने की हो जाएगी तो इसको कैल्शियम बी लगाना है ताकि इसकी बोन वगैरह स्ट्रॉन्ग होती रहे। अच्छा दोस्त, इसको फर्स्ट टाइम क्या दिया था खाने? यानी कि जिस टाइम आप लेके आए थे इसको, हमने डॉग फूड दिया था पेडिग्री का, पता नहीं दूध या कुछ भी डाल देते नहीं, इसको मैंने फर्स्ट टाइम डॉग फूड दिया था मगर वो इससे चब नहीं रहा था, तो फिर मैंने इसको नेक्स्ट टाइम इसको बॉयल करके दिया मिल्क में। मगर मैं फर्स्ट टाइम तो पेडिग्री वालों का लेके आ गया था डॉग फूड, लेकिन अब मैंने रॉयल कैनन वालों का स्टार्ट किया है, वो बहुत अच्छा है। उसके साथ वो मग वगैरह भी देते हैं कि किस एज में कितना फूड डालना है इसको। अगर ज़्यादा देते हैं, फॉर एग्जांपल इसको लूज़ मोशन वगैरह लगते हैं तो उस पर लिखा हुआ है, तो अगली दफ़ा इसको खाना कम दे दो ठीक हो जाएंगे, और बाकी उससे ठीक हो जाते हैं। माशाल्लाह अभी तक बिल्कुल एक्टिव है मेरे पास जब से है, बस ये है शुरू शुरू में इसने तंग बहुत किया था, अकेला हो गया था ना। गो रोनी गो। जी मैं पहले इसको पेडिग्री वालों का फूड दे रहा था मगर अब मैंने इसको रॉयल कैनन स्टार्ट करवाया है, तो रॉयल कैनन से ये है कि माशाल्लाह बीमारियों वगैरह से भी बिल्कुल महफूज है। अब घर में मैंने चिक्स वगैरह रखे हुए हैं, इम्पोर्टेंट चिक्स हैं मेरे पास, तो उन्हें तंग करता है, मारता नहीं है, उनके साथ खेलता है, उनके केज पर चढ़ जाता है। और घर में एक बच्ची है छोटी, उसको बहुत तंग करता है कि फैमिली में ना इसने अभी हम तकरीबन 19-20 दिनों में इसने हमसे बहुत ज़्यादा प्यार ले लिया कि बड़े भाई की फैमिली आती है उनके बच्चों के साथ बहुत खेलता ही है। ब्रोनी गो। ब्रोनी कम कम कम। तीन टाइम जो कह रहे थे इसे हम दे रहे हैं, किस तरह करते हो मैनेज? यानी कि क्या खिलाते हो इसको? फर्स्ट टाइम इसको हम सुबह 9 बजे देते हैं डॉग फूड, फिर उसके बाद 3 बजे फिर हम इसको बॉयल राइस वगैरह देते हैं, फिर उसके बाद हम इसको फिर शाम को 9 बजे देते हैं या कभी 8 बजे दे देते हैं, कभी राइस चिकन दे देते हैं, कभी इसको डॉग फूड ही दे देते हैं, चेंज करते रहते हैं कि एक चीज़ पे ही नहीं इसको हम रखते हैं। हम एक चीज़ पे शुरू में रखा था तो तंग होने लग गया था, नहीं खाता था, नखरे करता था, पैर से आगे करता था प्लेट वगैरह, तो अब माशाल्लाह ठीक है बिल्कुल। नया टोपी रखते हैं, कितने दिन में सेट हुआ था ये? इसने तकरीबन खाना वगैरह नहीं खाते पीते नहीं, नहीं खाना वगैरह तो इसने मुझे शुरू में स्टार्ट कर दिया था, लेकिन तंग किया था इसने, रात को बोलता बहुत था, तंग करना, मोहल्लेदार भी तंग हुए थे शुरू में तो, लेकिन माशाल्लाह बिल्कुल फिट हो गया, मोहल्ले वालों के बच्चे के साथ भी खेलता है, अक्सर मोहल्लेदार भी इसको घर ले जाते हैं अपने। जी इसको प्यास लग रही है, तो फ्रेंड्स इसको प्यास लग रही है पपी को, अब चलते हैं हम इसको पानी पिलाने। आज फर्स्ट टाइम आए हैं पार्क में, हमारे घर से काफ़ी दूर है, जो मेरे करीब के देख रहे होंगे तो उन्हें तो पता है इधर एक बहुत अच्छा टाइम हमारा गुजरा। आज मैं इस पार्क में आया हूँ तकरीबन क्या नाम है, कोई 7-8 साल बाद,
छोटे से होते थे इधर ही क्रिकेट खेलनी हमने, ये देख लें बहुत बड़ा, ये एक नहीं है ये पांच है, उस तरफ भी है उधर भी है। ग्रीफन में हूँ मैं इस टाइम, मुगलपुरे, इधर बड़े बड़े प्लेट्स वगैरह भी आते हैं। बहरहाल हम अपने टॉपिक पे रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो चैनल पे नए आने वाले दोस्त चैनल को करने सब्सक्राइब, वीडियो लाइक शेयर दोस्तों लाजमी किया करो। पहली दफ़ा आया और अभी इसको आज देख लें, वो भाई बता रहा है कि 19 दिन हुए हैं, 19 डेज में ट्रेनिंग आपके सामने है। इसकी बेल्ट ये देख लें, ये मेरे हाथ में है और इसको हम ऐसे ही लेके चल रहे हैं। हमने इसको पानी पिलाना है दोस्तों। अब हम वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे इसको पानी पिलाना है। अब देखो पानी मिलता है या नहीं है, क्योंकि ये जो जो फ्रेंड है मेरा शानी भाई, इनको पता है यहाँ पे पानी का। तो देखो अब इसे पानी पिलाते हैं और फिर वापसी इसी जगह पे आते हैं, यहीं से वीडियो दोबारा स्टार्ट करूँगा। ज़रा थोड़ा आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम पहुँच गए हैं उधर, यहाँ पे इसको पानी पिलाया जा रहा है, इसने पी लिया। ये आपके सामने है, ये एक आवारा भी आ गया, ये देखिए एक आवारा डॉग है, स्ट्रीट डॉग बल्कि दो हैं, और ये इधर इनका बेबी पानी पी रहा है। ये आपके सामने है, पानी बहुत साफ है। ये जो खेलने आते हैं क्रिकेट वगैरह वो भी इधर ही पीते हैं। अभी भी आप सारे देख लें, उस तरफ टिकटॉक बन रही है। उसी तरफ चलो यार, इधर बड़ा सुकून है। वो दोस्तों ये फुटबॉल ग्राउंड है, ये देखें। अब हम दोबारा उसी तरफ जा रहे हैं वापसी। शानी भाई ने देखें सारा बता दिया है कि वो किस तरह इस डॉग की केयर कर रहे हैं, इस पप्पी की। हालांकि फर्स्ट टाइम रखा है, लेकिन इस बात सिर्फ अटैचमेंट की है कि उन्होंने कितना उसे बता दिया, दिखा दिया। अब ये देखें ऊपर कैट है, वो देखेगी तो भाग जाएगी, क्या कहते हो? अभी मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, मेरे पीछे आ जाएगा। ये देखें, ये देखें, कैसे अपने मालिक के पास गया है वो। यहाँ पे बार्गिंग की है क्योंकि ये जंगला लगा हुआ आगे, तो उसने ऐसे ही हुआ जैसे केज में बंद है। कितनी अकल है, सिर्फ ये दोस्तों ब्लड लाइन है। जितना ही आप यानी कि अच्छी ब्लड लाइन का डॉग होगा, उतनी ही आपकी कमांड सुनेगा, बात मानेगा और उतना अच्छा ट्रेन होगा। ये आपके सामने है, 20 दिन भी पूरे नहीं हुए 20 भाई के पास, इसको चीज़ आपके सामने है। यार कैट के आगे तो आगे देख नहीं रही वो, उसने देखा ही नहीं है। कैट देखे तो कब की भाग गए। फ्रेंड्स ये देखें, ये कैट बैठी हुई है, ये रहा डॉग, वो भी बेचारी फुल। ऊपर छोड़ो ज़रा, अब ये देखते हैं क्या करता है। ये देखें वो भाग गई है, वो देखें। हालांकि पप्पी है और उसके पीछे पड़ गया था, लेकिन वो चली गई है, वो चली गई उधर। ये आपके सामने है, तो अब हम आ गए, वापस आ गए अपनी लोकेशन पे, जहाँ पे हमने स्टार्ट समझ लें किया था। तो बात सिर्फ ये होती है, जितनी अच्छी दोस्तों, जो मैं आपको कह रहा था ब्लड लाइन होगी, उतना आपका डॉग जल्दी ट्रेन होगा, बात मानेगा। ब्रीडिंग के लिहाज से लेते हैं जैसे भी, तो ब्रीड सिर्फ यही है पैटेगरी में और नॉन पैटेगरी में फ़र्क। एक बार लें, अच्छी चीज़ लें, मिलने को आपको, वो तो आपकी रेंज है और आपकी मर्ज़ी है। आप जौन सा मर्ज़ी डॉग बाय करें, जितने मर्ज़ी का करें, लेकिन अगर शौक अच्छा करना चाहते हैं तो थोड़े से पैसे खर्चें और जानवर अच्छा लें, चाहे आप वो किसी यूट्यूब से लें चाहे कुछ भी। और मैं फिर आपको यही कहूँगा, जो लोग 10,000 रुपये में जर्मन शेफर्ड या इस तरह के बच्चे और प्योर चाहिए, तो भाइयों प्योर कहीं पर भी नहीं मिलता। 10 क्या, जर्मन शेफर्ड 30 में भी बहुत मुश्किल से मिलेगा, अगर बाई चांस आपका कहते हैं वो तुक्का लग जाए तो इस तरह का कोई सीन, फिर आपको जर्मन शेफर्ड भी मिलेगा 30 का भी नहीं, तो वो 30,000 का वो भी नहीं मिलता प्योर। वो आपके सामने है डॉग, आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितना एक्टिव है इनका पपी।
ये आपके सामने, अब हम भी थक गए हैं, डॉग भी थकी है, और साथ साथ दोस्तों को मैसेज देता चलूँ। दोस्तों अब कल से आपको पता है फ्रेंड्स, लॉकडाउन लग रहा है। अब देखते हैं अब अगली वीडियो किस तरह, कोशिश तो करूँगा फिर भी एक आधा दिन छोड़ के वीडियो अपलोड हो बीच में। और पहले का जो मैं आपको बता दूं कि मेरे हाथ पे चोट लगी हुई थी जिस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल सका, अब तो काफ़ी बेहतर है, हाथ में अपना आपको दिखा सकता हूँ। ये आपके सामने है फ्रेंड्स, खुद ब्लर की हुई है, अच्छा नहीं लगता इस तरह दिखाना। बहर मैंने कहा दोस्तों को रीज़न भी तो देना जिस वजह से नई वीडियो इतनी अपलोड की, और अब लॉकडाउन आपको पता लग रहा है, तो अब देखते हैं किस तरह क्या सीन है। बहरहाल चैनल पे नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक शेयर दोस्तों लाजमी किया करो। अब वो पेट भी थक गया है, हम भी थक गए हैं, रोज़ा खुलने वाला है, बस अब घर चलते हैं।